टीम दोस्तों की है यू नो सो ऑफकोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम कि आज बहुत बहुत बड़ी बात होती है आपका टेलीविजन पे कोई शो अप्रूव होना और फिर यू नो वो शुरू होना सो आज इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ देम आर रियली डियर डियर फ्रेंड्स सो बस आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द लक आई होप द शो बिकम्स अ ह्यूज ह्यूज हिट एंड या समवेयर आई होप द प्रोड्यूसर मेक्स अ गुड फिल्म विथ मी इन द लीड बिल्कुल बनना ही चाहिए नहीं तो हम लोगों को काम कौन देगा सो नहीं बट रोहित भी चाहता है जिस तरीके का प्यार लोगों ने दिया है हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है उसके एंड हम चाहते हैं कि उसका फिफ्थ पार्ट भी बने ताकि लोगों को और थोड़ा हंसाने का मौका मिले नहीं यार मतलब कॉमेडी फिल्म एक करना दो घंटे की भी डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे तो ये रोज़ कॉमेडी करते हैं रोज़ लोगों को हंसाना इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड कंसिस्टेंटली वो करते रहना मेरे ख्याल से इसके लिए आपको बहुत अलग टेम्परामेंट और अलग किस्म की ताकत की ज़रूरत है सो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज गाइज यू नो पार्टनर्स की सारी टीम जिस तरीके का काम कर रहे हैं टी वी पे जो लोग सारा काम कर रहे हैं स्पेशली कॉमेडी रियली यू बिग बिग सैल्यूट टू देम एक खड़े जॉनी भाई जॉनी भाई जॉनी भाई जॉनी भाई एक हमारे मेरे ऑल टाइम फेवरेट है मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ बचपन से इनके कैसेट्स सुनते आए हैं हम लोग और उसके बाद में तो खैर इनको टीवी पे फिल्मों में देखते ही आए हैं लेकिन जो कैसेट्स आते थे तब से मतलब घिस घिस के सुने वो कैसेट्स बार बार खरीद खरीद के सुने तो आई थिंक इनसे बड़ा कॉमेडी का बादशाह हमारे कंट्री में और कोई नहीं है अरे बाप रे ऐसा क्या बात कर रहे यार तुमने सुंदरी सुंदरी करके इतना हंसाया बोलबाल में यार जॉनी जॉनी सर भी यहाँ पर है कुछ एक ऐसा डायलॉग जो जॉनी सर का याद हो और इससे अच्छा मौका उनके सामने एक्ट करने का जॉनी सर का एक डायलॉग याद है मुझे जो है भूला चलो थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू आपको देख के क्या लग रहा है मेरे ख्याल से हंसी मजाक का ही शो है कॉमेडी शो है और सब टीवी पे काफ़ी टाइम बाद में वापस लौटा हूँ आखिरी FIR किया था मैंने जो करीब 4-1 साल पहले बंद हुआ लेकिन एक बार फिर पुलिस यूनिफॉर्म में दिखाई दूंगा मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत शोज़ किए हैं ऑब्वियसली FIR ज़्यादा लंबा चला है तो ज़्यादा उसके बारे में पता है बट मैंने शायद 18-20 शोज़ किए हैं सब टीवी के लिए और अब 4 साल बाद वापस सब टीवी पे आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये है मेरे इनके साथ में सही टाइम पे एंट्रेंस मारी मैंने ये है विपुल रॉय जो है मेरे साथ नाश्ता करता है हैंडसम बॉय हैंडसम बॉय हसमुख लड़का है काफी प्यारा है और मैं क्या कहूँ इनके बारे में नहीं और क्या नाचते हैं ये नहीं नहीं आप जैसे तो नहीं नाचते भाई आप यकीन मानिए कि इतना कुछ सीखने को है और इतना कुछ धमाल आपको देखने को मिलेगा जब मैं इतना कुछ करने के इतना कुछ सीख रहा हूँ तो आप सोचिए कि जो अब तक आपने नहीं देखा वो आप कैसे कैसे देखने वाले हैं और बड़ा जनरेशन देखिए भाई हम आप जॉनी लीवर से फिर कितना सीख रहे हैं भाई हाँ। इतने टाइम से मैं तो कितनी बार बताया हूँ मैं तो बचपन से उनके आइटम्स कॉपी करता हुआ बड़ा हुआ हूँ अब अचानक उनके साथ काम करने का मौका मिल गया एकदम शॉकर था वो तो अरे जॉनी लीवर सीधा मतलब मजा आ गया यार तो तो या इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार टोटल धमाल ट्रबल डबल डबल ही अभी तो हाँ और साइज तो आप देख सकते हैं ट्रबल भी यही है डबल भी यही है टैगलाइन शो की मैं सिर्फ पार्टनरशिप करने को तैयार हो गया हूँ नहीं नहीं मतलब लेकिन बेसिकली यही है कि इनके जीवन में कितनी तकलीफें आती हैं हाँ। क्योंकि उनको ये पार्टनर मिला है ये देखकर आपको पता चलेगा ये क्या किस दौर से गुजर रहा हूँ मैं अगर आप आपको दिखाई अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपके आंखों में पानी आ जाएंगे खुशी के भाई क्राइम एंड एक्शन किधर देखा है आपने हाँ। मुझे बिल्डिंग से लटका हुआ आपने और कहाँ देखा है यहाँ पर मैं बिल्डिंग से लटक गया हूँ भाई हार्नेस वार्नेस पहन के तो भाई बहुत मेहनत हो गई है मेरी तरफ से मतलब फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है रोमांस है एक्शन है कॉमेडी है ड्रामा है और क्या चाहिए भाई 100 किलो लेके इतना एक्शन नहीं होता आसान नहीं है देखो आप जाके पता चलेगा वही है बस है तो सही कमाल की है भाई जॉनी भाई इंस्टीट्यूशन है यार हम सीख रहे हैं लेकिन एक खाली प्रॉब्लम है जॉनी जी से कि वो बहुत ज़्यादा टाइम पे आते हैं और सब टाइम पे कर जाते हैं यार हमें लेट होने का मौका ही नहीं मिलता हमें लगता है कि थोड़ा आलस दिखाएं प्रोडक्शन में थोड़ा कि यार हमको टाइम लगेगा
पर जॉनी जी सेट पे पहुंच जाते हैं फिर एम्बेरसमेंट होता है, हमें दौड़ के पहुंचना पड़ता है, तो बस बाकी सब बहुत बढ़िया है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। आई थिंक परितोष पेंटर जो हैं वो बहुत माने जाने डायरेक्टर हैं और क्रिएटर हैं कॉमेडी शोज़ के, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनके शो का इस तरह से प्रीमियर जो हो रहा है वो यू नो इतनी बड़ी थिएटर स्क्रीन में हो रहा है। सो आई एम श्योर जिस तरह का प्रोमोज हमने जब तक देखे हैं ये बहुत प्रॉमिसिंग कॉमेडी शो होगा, और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, किक्कू है, विपुल है, और आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव दिस शो। और सब टीवी तो वैसे भी मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि कॉमेडी किंग चैनल है कॉमेडी में, और वैसे भी भैया मैं सोनी का हूँ तो मुझे तो सब टीवी की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। बट इट्स अ गुड शो, इट्स अ वेरी गुड शो जी। अब मुझे लगता है कि मेरी शक्ल देखने के बाद इतने सालों से लोग मुझे क्राइम शो में देख रहे हैं, मुझे कोई कॉमेडी शो का ऑफर ही नहीं करता, उनको लगता है यार ये आदमी बहुत सीरियस रहता है, ये तो शायद हंसता ही नहीं होगा ज़िंदगी में, लेकिन मैं हंसता हूँ ऐसा नहीं है शायद बिल्कुल मैं तो मुझे अगर कोई अच्छा शो मिलेगा कॉमेडी में आई थिंक मैं परितोष को आज बोलता हूँ कि मुझे किसी कॉमेडी शो में कास्ट करे, अगर हो सकता है इसी में करूँगा। सी अभी राइट नाउ मैं क्राइम पेट्रोल तो इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा भी। अभी राइट नाउ मैं एक वेब सीरीज़ शूट कर रहा हूँ जो ऑल्ट बालाजी पे आने वाली है, तो शायद वो दिसंबर के बाद या जनवरी तक शुरू हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा मैं पुलिस ऑफिसर, हाँ सॉरी, मैं पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा चुका हूँ, और जितना सीरियस मैं यह मोहब्बतें में दिखाई पड़ता था उतना ही बिहाइंड द सीन्स मुझे नौटंकी करने का मूड होता था। सो पार्टनर्स का जब ट्रेलर देखा ना, सो आई सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू बिहाइंड द सीन्स एंड देन पुट इट ऑन स्क्रीन एंड इट्स अमेजिंग, इट लुक्स फैंटास्टिक एंड आई बी वेरी हैप्पी फॉर विपुल बिकॉज ही स्टेप्ड अप यू नो एक लेवल ऊपर। विपुल बहुत अच्छा एक्टर है और वो डिजर्व करता है ऐसा शो कि उसको वो यू नो उसमें जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले, एंड पार्टनर्स इज़ दैट काइंड ऑफ शो, एंड वो मेरा इतना पुराना दोस्त है, मेरा कह लीजिए बचपन का दोस्त, क्योंकि हम लोग साथ में हमने एक्टिंग शुरू की थी एक ज़माने में, एंड टुडे ही इज़ डूइंग दिस शो, एंड आई एम बहुत ही प्रॉमिसिंग शो लग रहा है हमको। Absolutely, yeah, हम दोनों बहुत इम्प्रेस्ड हैं इस शो के सारे ट्रेलर्स से, एंड आई हैव बीन जस्ट लाइकिंग वट एवर ही हैज़ पुट ऑन सोशल मीडिया, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। दीज डेज यू नो इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट एन इंट्रीग जस्ट बाय अ प्रोमो, बाय अ 30 seconds और अ 1 minute प्रोमो, बट दिस शो हैज़ वेरी सक्सेसफुली डन इट, एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड नाउ। बहुत फिल्मी है जॉनी लीवर जी, ऑब्वियसली यू नो ही इज देयर एज अ कॉप, एंड किकू जी, आई थिंक अश्विनी जी भी है ना, अश्विनी जी भी हैं, किश्वर है, you know everyone's there, yeah, the whole cast. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस शो में एक से बड़े एक कलाकार हैं, आप दोनों से जानना चाहूंगा कि आपके दोनों के फेवरेट कलाकार कौन हैं, कौन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है इनमें से? इनमें से कैमरा लुक यार, आप क्वेश्चन पूछ के वहां पे कंफ्यूज कर देते हैं, आप बीच में जाके खड़े हो। हां बोलो। हां मेरे फेवरेट ऑब्वियसली यार जॉनी लीवर जी, बचपन से देखते आए उन्हें, और यू नो द आइकॉनिक कैरेक्टर्स दैट ही इज़ प्लेड, ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, सो या ऑब्वियसली ही इज़ द किंग ऑफ कॉमेडी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तुम्हारा कौन फेवरेट है? मुझे लगता है शो देखने के बाद सारे ही मेरे फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि अश्विनी जी किसी से कम नहीं है, अश्विनी जी ऑफकोर्स, अश्विनी मैम कमाल है, किकू भी, यस उनके पंच लाइंस कमाल होते हैं, जॉनी लीवर जी तो कुछ कहना ही क्या उनके बारे में, और जहाँ तक हमारे विपुल का सवाल है वो बहुत अच्छा एक्टर है, और उसको जो वो पुलिस का किरदार मिला है वो ट्रेलर्स में तो बहुत ही धमाल कर रहा है उसमें, सो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू मेक एन अमेजिंग कास्ट फॉर द शो। अश्विनी मैम के साथ मैं काम कर चुका हूँ कवच में, और वो शी वॉज प्लेइंग अ स्पिरिट इन द शो, और जितनी डरावनी वो लगती थी शो में। We have to watch the show. हाँ। स्क्रीन अभी उधर देखो। सॉरी। डबल ट्रबल हो गई है डबल। तो आप दोनों से जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी आपकी मेमोरी है जो एक दूसरे के साथ फनी मोमेंट हो और उस चीज़ पे एक दूसरे को ट्रबल किया हो। अभी बैठ के सोचो। रुको। मैं सोच के बताता हूँ। सोचने का काम ये करेंगे।
हमने अभी एक्चुअली ट्रबल वाला कोई काम किया नहीं है। आपने अभी तक नहीं किया मुझे ज्यादा ट्रबल? तुम्हारे साथ नहीं किया है। मुझे कहाँ पे किया है? तुम्हें भी ट्रबल नहीं किया? ज्यादा नहीं किया। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत लेग पुलिंग तो इनकी चलती रहती है, अभी एक ही साल हुआ है ना शादी को, इसीलिए भी थोड़ी गैप है ना थोड़ा सा। Six million ho gaye aaj. You can congratulate her. Smile ki reason hai jo. Haan. So we are extremely, all of us are very proud of her, especially me. Six million is a big number and nobody in the television industry has been able to touch it. So she's the first one, touch wood. I'm humbled and I'm really happy that I've got such a lovely hobby. Yeah. Thank you. It's because of me. Yeah. Totally. I really want to thank all my followers, all the people who are attached with me on Insta. प्यार से, मोहब्बत से या नफरत से, जैसे भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। नफरत कौन करता तुमसे? करते कुछ एक है ऐसे? नहीं नहीं। सो मैं बस बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं सबसे जुड़ी हूँ एक ऐसे मीडियम से, क्योंकि वरना मैं तो घर में घुसे रहने वालों में से हूँ, चुपचाप रहने वालों में से हूँ। सो थैंकफुली बस कैमरे पे और माइक पे बोलती हूँ, पर अदरवाइज मैं काफ़ी चुप रहती हूँ। या इन्होंने लिखा था अपने पोस्ट में आज के, एंड आई अग्री विद हर दैट शी इज़ अदरवाइज वेरी शाई इन पर्सन एंड शी इज़ क्वाइट एन इंट्रोवर्ट, आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, बट ऑन सोशल मीडिया नोबडी कैन टेल, यू नो, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर सपोर्ट she's like that on social media. So keep that coming and very soon we'll have 10 million ka party. I wish. Thank you. How are you? Bye. So partner, bahut zabardast show hai aur sabse khaas baat ye hai ki isme ek comedy ke shehnshah, comedy ke badshah, comedy ke baad Johnny Lever sahab jis show mein jude ho to usme kuch aur sochne ki zarurat nahi hai. aur ye bahut adbhut team hai puri, Partosh Painter se lekar ke Balwinder Singh Suri aur बाकी जो परफॉर्मर्स हैं, आपने देखा जॉनी लीवर से लेकर के जितनी टीम है, तो बहुत कमाल की टीम बनी है और इस टीम के साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है और आई होप इन लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है और ये शो लोग सराहेंगे, लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे। क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? मेरे तो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी इन दिनों, अभी टेलीविज़न पर लाफ्टर चैलेंज शो आ रहा है जिसको अक्षय कुमार जी जज कर रहे हैं, वो शो में मैं स्टैंड अप कॉमेडी का शो है तो एज ए क्रिएटिव सुपरविजन उस शो से जुड़ा हूँ। और जनवरी में मेरा खुद का एक नया शो आने वाला है जो मैं शायद आपको बहुत जल्दी बताऊँगा। और नेक्स्ट ईयर हमारी दो फिल्में भी रिलीज़ होंगी, लाइव शोज चल रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। बस मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हुआ ये शो देखकर, और मेरे परितोष को, बल्लू को और जो पूरी टीम है, जॉनी भाई को देखकर इतना मतलब नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स अ फैंटास्टिक शो एंड ऑल दी एक्टर्स हु आर देयर इन द फिल्म, आई मीन इन द सीरीज, दे आर जस्ट ब्रिलियंट। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉचिंग अ कॉमिकल फिल्म, और प्रोडक्शन वैल्यूज से लेकर सारी चीज़ बहुत अच्छी थी, तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा शो। जी वो देखेंगे बहुत जल्दी, आप स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अरे क्या शो है, अमेजिंग। मतलब लिटरली शो देख के इतना मज़ा आया, ऐसा लगा ही नहीं कि एक टीवी शो है, ऐसा लगा एक फिल्म है। और आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम शो फॉर एवरी एक्टर, बिकॉज इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतना कमाल का परफॉर्मेंस, इट वॉज अमेजिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आधे से ज़्यादा लोग इस शो में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैम। विपुल रॉय इज़ माई ब्रदर, Kishwar, Shweta, they are such close friends. So I'm very, very happy. It's a brilliant, brilliant show. Thank you. हमें यहाँ पे होना ही चाहिए क्योंकि परितोष हमारा बहुत खास फ्रेंड है जो इस शो को प्रोड्यूस कर रहा है, परितोष पेंटर। एंड मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए आइडियाज़ दी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस शो में। मैंने जॉनी भाई के साथ काम किया था इन 36 चाइना टाउन, असरानी जी से के साथ काम किया है, हेरा फेरी। सो आई थिंक फैंटास्टिक कास्ट, और जिस तरह से उन्होंने कॉमेडी की है, ऑब्वियसली द ग्रेट कॉमेडियंस इज़ वेरी गुड, और यही चाहते हैं हम लोग, ऐसा ही कॉमेडी की अपेक्षा थी मुझे। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसी टाइम स्लॉट में पहले सब टीवी पे था, लेकिन आई जस्ट फेल्ट अ डिफरेंट चेंज, क्योंकि ह्यूमर बदलते रहता है, और आई थिंक हमारे लेवल पे हम काफ़ी यंगस्टर्स के साथ डील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जॉनी भाई है, देयर इज असरानी साहब, एंड इट वाज रियली फन टू वॉच एवरीवन।
एंड आई जस्ट फील के तारक मेहता के बाद सब टीवी ने एक और नया धमाका लेके आए हैं. सो बैक टू बैक इट्स लाइक यू गॉट अ ग्लू ऑन टू योर टेलीविजन. सो आई रियली लाइक दैट आइडिया. बिग बॉस में मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ. मैं बिग बॉस देखता हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे अच्छा लगता है बिग बॉस देखना. और आई जस्ट होप मेरा दोस्त हितेन जीते. और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस बार क्योंकि एक हिना खान है तो दूसरी वो अर्शी है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सबका. सो आई जस्ट विश दैट समवन लॉजिकल विंस.